बात है 2004 की, जब राजीव शर्मा जी ने एक मारुति जेन खरीदी। शर्मा जी के अनुसार न्यूज़पेपर में मारुति जेन का क्लेम माइलेज बताया गया था 18 km/h, पर रियलिटी में उनकी गाड़ी देती थी बस 10। इससे नाराज शर्मा जी ने गुहार लगाई नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन को, जिसने आज 20 साल बाद मारुति को जिम्मेदार ठहरा के शर्मा जी को 1,00,000 रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दे दिया। अब दाद देनी पड़ेगी शर्मा जी के धैर्य और परसिस्टेंस की। पर कभी सोचा ये क्लेम माइलेज या ARAI सर्टिफाइड माइलेज और रियल वर्ल्ड माइलेज में इतना डिफरेंस कैसे और क्यों होता है? एग्जांपल के लिए मेरी 4th-gen होंडा सिटी, जिसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 17 km/l शहर में, पर 7 साल की ओनरशिप में एवरेज 13 km/h से 15 km के रेंज में ही मिलता है। गाड़ी ओनर ड्रिवन है, टाइमली सर्विस भी होती है, पर सर्विस सेंटर पे जब भी पूछो तो सामने से एक ही जवाब आता है, सर क्लेम माइलेज से एक्चुअल माइलेज कम ही होता है सर। पर क्यों और क्या है ये क्लेम माइलेज, इसको समझने से पहले सबसे पहले समझिए ये टेस्ट करता कौन है। ARAI या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक कोऑपरेटिव गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंडिया में ऑल्टो से लेकर ऑडी तक सारी गाड़ियों को टेस्ट और सर्टिफाई करता है। अब जानो ये माइलेज टेस्ट होता कैसे। सबसे पहले ये टेस्ट एक्चुअल सड़क में नहीं, पर एक क्लोज द कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में एक जीरो फ्रिक्शन चैसी डायनामोमीटर पे होता है, जो IDC या इंडियन ड्राइविंग साइकिल को सिमुलेट करता है। चैसी डायनामोमीटर को आप बेसिकली गाड़ियों का ट्रेडमिल भी बोल सकते हैं। प्राइमरली ARAI ये IDC टेस्ट गाड़ी के एमिशन स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए करता है, फ्यूल एफिशिएंसी तो बस इस टेस्ट का बाय प्रोडक्ट है। अब कंट्रोल्ड एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है ये समझिए। ARAI के इस टेस्ट का ड्यूरेशन होता है 19 मिनट, जहां फैक्ट्री से निकली ब्रांड न्यू गाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन करती है। टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर पे लिमिटेड होती है और एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच तीनों प्रिसाइजली कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। गाड़ी फुल टैंक नहीं की जाती, AC नहीं चलाया जाता और शीशे होते हैं बंद। टायर प्रेशर भी स्ट्रिक्टली मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन के अनुसार, यहाँ तक कि टेस्टिंग रूम का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है। ARAI के हिसाब से ये होते हैं आइडियल कंडीशंस और ऐसे गाड़ी टेस्ट करने से रिजल्ट्स कंसिस्टेंट और एक्यूरेट आते हैं। अब इंडिया में ये आइडियल कंडीशंस में गाड़ी चलाना या आइडियल कंडीशंस मिलना ही बहुत मुश्किल है। किलोमीटर दर किलोमीटर ट्रैफिक बदल जाता है, सड़क बदल जाती है, मौसम बदल जाता है, यहाँ तक कि फ्यूल की क्वालिटी बदल जाती है। तो अगर ARAI इन फैक्टर्स को कंसिडर करने लगे तो हर स्टेट, हर शहर, हर गांव का अपना माइलेज फिगर होगा, जो कि संभव नहीं है। तो फिर ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज फिगर्स होते ही क्यों है? सिंपल है, मार्केटिंग। कार मेकर्स जानते हैं कि भारत एक कितना देती है ऑब्सेस्ड देश है, जहां एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल वाली XUV 700 का ओनर भी एक बार माइलेज के बारे में तो जरूर सोचता होगा। अब क्योंकि ARAI के माइलेज फिगर्स रियल माइलेज नंबर से ज्यादा ही होते हैं, तो ऐसी फ्री मार्केटिंग को कौन मना करेगा। कभी अपनी गाड़ी का ब्रोशर देखना, उसके माइलेज नंबर पे एक स्टार मार्क लगा होगा, उसका मतलब होता है ARAI सर्टिफाइड अंडर आइडियल कंडीशंस। तो जब भी किसी गाड़ी का ARAI टेस्टेड माइलेज फिगर देखना, उसमें एज अ रूल ऑफ थंब 20% कम कर लेना, आपको रियल वर्ल्ड माइलेज मिल जाएगा। अगर ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 19 तो रियल वर्ल्ड माइलेज है 15। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। कमेंट्स में अपने गाड़ी का ARAI माइलेज जरूर बताएं। मैं हूँ आपका मोटा भाई अक्षत, और कॉन्टेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू कास्ट 24।